about the case of Rameshwar versus State of UP. And if you want to check out that case in a descriptive manner, please check out the link in the description. तो इस केस में क्या होता है कि जो रामेश्वर होते हैं उन्होंने एक 8 साल की बच्ची का रेप कमिट किया होता है, और लेकिन जब प्रोसिक्यूशन केस लेकर सेशंस कोर्ट के पास पहुंचता है तो सेशंस कोर्ट के पास कोई भी एविडेंस ही नहीं होता है अगेंस्ट दी अक्यूज्ड, और जो उनके पास प्रोसिक्यूशन के पास मेन एविडेंस होता है वो होती है वो लड़की की स्टेटमेंट्स, लेकिन वहां पे कोर्ट उस लड़की की एविडेंस या फिर स्टेटमेंट्स इनएडमिसिबल कर देती है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, लेकिन एज पर सेक्शन 118 तो ये रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि जो भी चाइल्ड विटनेस हो उसमें नॉलेज होनी चाहिए, और ये दिखना चाहिए कि उसमें नॉलेज है। तो फिर प्रोसिक्यूशन ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी यही कहा कि इससे मतलब नहीं है कि चाइल्ड में कितनी नॉलेज है या फिर चाइल्ड कितना बड़ा है। अगर सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो उस आदमी की स्टेटमेंट या फिर एडमिशंस कोर्ट को एडमिट करने होंगे, और इस केस में वही हुआ कि उस लड़की की स्टेटमेंट्स एडमिट करी गई और उस एक्यूज्ड को कन्विक्शन दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।